17 सितंबर 2005 की एक सुबह आजाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट के सामने एक उम्र रसीदा शख्स, लिबास दरीदा, जबान खामोश है, इशारे से बताता है कि वो ड्यूटी पर वापस आ गया। बोलने से माजूर है, कागज पर लिखता है 3-3-5-1-3-9। What? 40 साल बाद मकबूल हुसैन? But who was missing believed killed? सिपाही का चेहरा सच्चाई से दमक रहा है। उस सिपाही है मकबूल हुसैन। सिपाही मकबूल हुसैन सितंबर 1965 में कैप्टन शेर की क़यादत में मिशन पर रवाना होता है। उसका भाई मक्खन खान, दो बहनें, उसकी मंगेतर और उसके वालिद और वालिदा उसे अपनी दुआओं और नेक तमन्नाओं की छाओ खुदा हाफिज कहते हैं। ये मिशन मकबूजा कश्मीर में दुश्मन के ठिकानों पर हमला करके उसके असलह के टुकड़ों और दूसरी तंजीबात को तबाह करने पर मुक्त था, ताकि दुश्मन की इस तैयारी पर वक्त कारी जर्ब लगाई जा सके जो वो पाकिस्तान पर हमले के लिए कर रहा था। मकबूल हुसैन शाने पर वायरलेस सेट रखे, हाथ में राइफल लिए मार के मौत आता है। मिशन की तकमील के बाद फोर्स अपने बेस की तरफ वापस आती है, लेकिन सिपाही मकबूल हुसैन दुश्मन के फायर की जद में आ जाता है और दुश्मन के हाथों पकड़ा जाता है। जनीवा कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी होती है, उसे जंगी कैदी भी नहीं बनाया जाता और ना ही उसका इंदिराज सिविल कैदियों की फहरिस्त में। 1965 और 1971 के जंगी कैदियों के तबादले में भी उसका कहीं जिक्र नहीं। नतीजतन वो मिसिंग बिलीव्ड किल्ड की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाता है। कौन जाने सिपाही मकबूल हुसैन दुश्मन की कैद में ऐसी अजियतें बर्दाश्त करता रहा, इंसानी जुल्म की तारीख में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कैद तन्हाई, तंगो तारीख दिन रात, मौसमों की सख्ती, इंसानियत सोज मजालिम, जानवरों की तरह रिंगने का हुक्म, जिस्मानी एजा के ऐसे ऐसे हरबे जो हैवानियत और बर्बरियत की नाकाबिले यकीन मिसाल है। जवाब दो, बोलते क्यों नहीं हो? सच बताओ, पाकिस्तान में कहां कहां फौजी ठिकाने हैं? तुम्हें सब राज उगलने होंगे। बोलो जो कुछ तुम्हें हम कहते हैं। सिपाही मकबूल हुसैन पर खूंखार कुत्ते भी छोड़े जाते हैं जो उसकी पिंडलियां चबा डालते हैं, लेकिन वो अपने मौकफ पर डटा हुआ है। उसकी जबान पर एक ही नारा है, बुझा जो रोजने जिंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। चमक उठे हैं सिलासिल तो हमने जाना है कि सहर अब तेरे रुख पे बिखर गई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। उस कैद खाने की दीवारें सिपाही मकबूल हुसैन के खून से रंग जाती हैं। वो हर जगह लिख देता है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। काट दो इसकी जबान, काट दो। और फिर उसकी जबान काट दी जाती है ताकि वो पाकिस्तान जाकर कभी भी बता ना सके कि उसके साथ कैसा गैर इंसानी सलूक रवा रखा गया। उसे नफ्सियाती मरीज बनाकर पाकिस्तान धकेल दिया जाता है। और जब 40 साल बाद वो इस सरजमीन पर लौटता है तो आज उसके इस्तकबाल के लिए उसके गांव में न तो उसका भाई मक्खन खान था और ना उसके बचपन में उसके साथ खेलने कूदने वाला कोई शख्स। बस
چند قبریں تھیں اور ایک حوصلہ۔ مگر کون جانے، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا، اور آج 40 سال بعد سپاہی مقبول حسین نمبر 3351 39 ڈیوٹی پر پھر حاضر ہے۔ اس کے ساتھ کیا بیتی، اس نے کیسی اذیتیں جھیلی، ہمیں کون بتائے گا؟ یقیناً اس کی کہانی کے پاس یہ سب جواب ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں۔ ایک ایسے زندہ کردار کی کہانی جو اس وقت بھی ہم سب کے درمیان موجود ہے۔ وطن پرستی، فرض شناسی، قربانی و ایثار اور ثابت قدمی کی عظیم روایت کا پاسواں کردار سپاہی مقبول حسین۔